नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। भूजल स्तर में सुधार के लिए बेहतर क्रियान्वयन करें, कहा जिला कलेक्टर नीमका थाना। जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजना पानी की कमी वाले इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में भूजल का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के कई विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के आपसी समन्वय के साथ योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया, ताकि इसका लाभ आमजन तक पहुंच सके। कलेक्टर मेहरा ने जिले में अटल भूजल योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए गुरुवार को सभी सहयोगी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने अटल भूजल योजना के कार्यों प्रगति रिपोर्ट समय पर भूजल विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस योजना में जिले के पाटन, नीमका थाना और अजितगढ़ क्षेत्रों को जोड़ा गया है। भूजल वैज्ञानिक दिनेश कुमार ने योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी दी। कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्रों में योजना के प्रचार प्रसार के लिए एक समिति बनाने के निर्देश दिए। जिला परिषद के एसईओ मुरारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति में पाटन, नीमका थाना और अजितगढ़ के उपखंड अधिकारी भी शामिल होंगे। प्रचार प्रसार के दौरान जागरूकता रैली, ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यशालाओं, चित्रकला प्रतियोगिता, पंपलेट वितरण आदि का आयोजन किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार, जिला परिषद के एसईओ मुरारी लाल शर्मा, जल संसाधन विभाग के एएन सतीश कुमार यादव, जलदाय विभाग के एएन अनिल कुमार मिटावा, वन विभाग के रेंजर नरेंद्र सिंह, कृषि अधिकारी दुर्गा प्रसाद निमड़, उद्यानिकी, पंचायती राज तथा जल ग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण आदि विभागों से अधिकारी जेएन भीम सिंह सैनी, मुकेश वाल्मीकि आदि उपस्थित थे। खबर में इतना ही, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज, मैं हूं।